हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ कुछ ऐसे प्रोस्पेक्टिंग और सेल्स क्लोजिंग टिप्स शेयर करने वाले हैं जो आपके लिए हर एक इंडस्ट्री में काम करेंगे, बिकॉज कस्टमर क्लोजिंग और सेल्स क्लोजिंग इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सेलिंग। सेलिंग और कस्टमर क्लोजिंग या फिर सेल्स क्लोजिंग के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सेलिंग वो प्रक्रिया है जिसमें आप कोई भी चीज को बेच रहे होते हैं, लेकिन सेल्स क्लोजिंग वो प्रक्रिया होती है जब आप सेलिंग प्रोसेस को गो थ्रू करके पेमेंट तक पहुंच जाते हैं और आपके हाथ में होती है कस्टमर की पेमेंट। कस्टमर्स की क्लोजिंग आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए तो आपके पास वो सारी सेलिंग टेक्निक्स होनी चाहिए जो कि एक प्रोफेशनल के अंदर होती है। मतलब आपकी सेल तभी क्लोज होगी जब आप बेहतरीन तरीके से अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और इसीलिए आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में ये कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर पता होनी चाहिए, जैसे कि आपके प्रोडक्ट का USP क्या है, मतलब वो यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। आपको आपके प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज भी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, और साथ ही आपके कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट्स की भी, और उसी के साथ जरूरी है आपकी सेटिस्फेक्शन। तो अगर आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में ये तीनों ही चीजें पता है तो यकीन मानिए कि इस वीडियो के एंड तक आप बहुत अच्छे से कस्टमर्स को क्लोज करना सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से आप कस्टमर के इमोशंस से कनेक्ट करके किसी भी प्रोडक्ट को बहुत आसानी से सेल कर सकते हैं। मगर सबसे पहले ये जानना जरूरी है दैट व्हाट इज एन इमोशन। एन इमोशन इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ड्रिवन फ्रॉम वंस सर्कमस्टेंस रिलेशनशिप मूड विद अदर्स। मतलब एक ऐसी फीलिंग जो बिना किसी कंडीशन के किसी भी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कनेक्ट करती है। एंड दैट इज व्हाई पीपल डू नॉट बाय प्रोडक्ट्स, दे बाय इमोशंस। तो चलिए आज हम आपको एक ऐसा यूनिवर्सल फॉर्मूला देते हैं जो आपके प्रोफेशन से रिलेट करता है, फिर चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में क्यों ना हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग, इंश्योरेंस, डोर टू डोर सेलिंग या फिर कुछ भी। आप इस फॉर्मूले को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं और आपको बेहतरीन आउटपुट्स भी देखने को मिलेंगे। जब भी आप किसी को अप्रोच करते हैं किसी प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए, तो सबसे पहला सवाल अक्सर लोगों के दिमाग में आता है वो ये है कि क्या वो आपका ये प्रोडक्ट लेगा, और अगर उसने ये प्रोडक्ट नहीं लिया तो। अब सवाल ये भी उठता है कि आपके दिमाग में ये सवाल आते ही क्यों हैं, जब आपके पास इतनी अच्छी सेलिंग स्किल्स हैं तो। जबकि देखा जाए तो इन सभी सवालों का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि ये आपके मानसिकता की उपज होती है। जो भी चीज आप बार बार सोचते हैं वो आपको रियलिटी में बदलती हुई दिखने लगती है। इसीलिए ये जरूरी है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को लेकर जब किसी को अप्रोच करने जाते हैं तो खुद पर इतना विश्वास रखें कि आप उसे सेल कर पाएंगे, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट आप चुनते हैं वो आपकी खुद की पसंद होती है। जब आप खुद को किसी प्रोडक्ट के लिए राजी करते हैं कि हाँ आप उस प्रोडक्ट के लिए तैयार हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए, तो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस जरूर होता है कि आप उसे सेल भी कर पाएं। दरअसल ऐसे सवालों की कोई बुनियाद नहीं होती, क्योंकि ये सभी सवाल आपकी मानसिकता पर निर्भर करते हैं। जो भी चीजें आप बार बार सोचते हैं आप उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने लगते हैं। इसीलिए जरूरी है कि ज्यादा ना सोचते हुए आप पॉजिटिव एक्शंस लेने पर फोकस्ड हो, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिस भी प्रोडक्ट को आज आप सेल करने के लिए आगे किसी को अप्रोच कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का चुनाव आपने खुद ही किया था। और जब आप किसी चीज का चुनाव करते हैं तो वो बेहतरीन होती है आपकी नजर में, तो फिर आप खुद के ऊपर डाउट क्यों करने लगते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसे डाउटेड क्वेश्चंस आपके दिमाग में बार बार आने लगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, इसका जवाब भी है हमारे पास। देखिए, आप जिस भी प्रोडक्ट को सेल करें उसे सेल करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी टूल है आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन, और आपके अंदर वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन और कॉन्फिडेंस सिर्फ तभी आ सकता है जब आपको प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज हो और आपने उसे यूज किया हो। और अगर आपके पास ये 100% है तो वी आर श्योर कि आप किसी भी प्रोडक्ट को आसानी से सेल कर सकेंगे, क्योंकि ऐसे में आप प्रोस्पेक्ट के हर एक क्रॉस क्वेश्चन का जवाब उन्हें आसानी से दे सकते हैं। अब ऐसे में कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं कि जब मुझे प्रोडक्ट सिर्फ सेल ही करना है तो मैं उसे यूज क्यों करूं, क्योंकि किसी को सिर्फ प्रोडक्ट की नॉलेज देने से और सिर्फ ये बता देने से कि ये क्या क्या काम कर सकता है या नहीं करता है, उतने के अंदर कोई अगर उसे लेना चाहता है तो वो ले और
नहीं लेना चाहता है तो वो ना ले। लेकिन ऐसे में आपके लिए ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट आप पर्सनली यूज करते हैं तो आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है जो आपको पुश करता है उस प्रोडक्ट को आगे सेल करने के लिए। और जब आप कॉन्फिडेंट होंगे तभी आप कॉन्फिडेंटली किसी को बता सकेंगे कि ये प्रोडक्ट उनके लिए भी उतना ही काम करेगा जितना कि उसने आपके लिए किया है और बाकियों के लिए कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि आप किस तरह से इमोशंस को फॉलो करते हुए किसी को अप्रोच करेंगे, फिर चाहे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करना हो तो। बिकॉज जितने ज्यादा स्ट्रांग आपके इमोशंस होंगे उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग आपकी कन्विंसिंग पावर भी हो जाएगी, और ऐसी सिचुएशन में आप उस इमोशन से किसी को भी कनेक्ट करते हुए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को सेल कर पाएंगे। इमोशंस का मतलब सिर्फ इमोशंस ही होते हैं, और यहीं पर लोग अक्सर गलती कर बैठते हैं कि वो जब भी किसी प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर्स को बताते हैं तो वो उसे पर्सनल टच ना देते हुए उसके सिर्फ स्पेसिफिकेशंस के बारे में ही बात करते हैं कि आपका प्रोडक्ट ये कर सकता है या वो कर सकता है। इंस्टेड सिर्फ उसकी स्पेसिफिकेशंस बताने के आपको उस इंसान को ये बताना चाहिए कि वो प्रोडक्ट उसके लिए किस तरह से काम कर सकता है और वो उसके क्या काम आ सकता है। और जब आप प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कस्टमर के साथ उसे कनेक्ट करने लगते हैं तो इमोशनली वो इफेक्ट उनके सबकॉन्शियस माइंड को हिट करता है जिससे वो आपकी बातों पर पूरा पूरा ध्यान देने लगते हैं। तो अगर आप इमोशनली कस्टमर के नीड्स को प्रोडक्ट के साथ अटैच कर पाने में समर्थ रहते हैं तो आप उसी टाइम कस्टमर को क्लोज कर पाते हैं, और आपको चौंका देने वाले रिजल्ट्स आपकी अगली सेल्स में भी देखने को मिल सकते हैं। अपनी कन्वर्सेशन को इमोशनल टच देने के लिए आप कुछ रिलेशंस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि फैमिली, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग, हस्बैंड, वाइफ, योर लव्ड वंस, या फिर क्लोज फ्रेंड्स, या फिर ऐसा कोई भी रिलेशन जो आपके कस्टमर के बहुत ज्यादा क्लोज हो। उन सब का यूज करते हुए आप किसी को भी इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप जान चुके हैं कि इमोशंस क्या होते हैं और किस तरह से आप किसी को इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं तो इसे डीपली एक एग्जांपल से भी जान लेते हैं। और एग्जांपल में हम लेते हैं कि मान लीजिए आप एक आरओ सेल्समैन हैं और आपको एक आरओ सेल करना है आज की डेट में, तो आप किस तरह से किसी भी कस्टमर को अप्रोच करेंगे अपने आरओ को सेल करने के लिए। तो जब भी आप किसी को अप्रोच करें सबसे पहले उनसे कुछ सवाल पूछ लीजिए, जैसे कि उनकी उम्र क्या है और उनकी फैमिली में कितने लोग रहते हैं। जब आप उनसे ये सवाल पूछते हैं तो आपको एक अंदाजा लग जाता है कि वो मैरिड हैं या अनमैरिड। अगर उनका जवाब ये होता है कि वो मैरिड हैं और उनके साथ उनकी फैमिली के अंदर उनकी वाइफ और एक 2 साल का छोटा बच्चा है तो आप यहाँ उनसे इमोशनली कनेक्ट कर सकते हैं उनकी वाइफ और उनके बच्चे के साथ कनेक्ट करते हुए। लेकिन अगर वहीं उनका जवाब होता है कि वो अनमैरिड हैं और अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो यहाँ पर किसी भी बच्चे को उनके पेरेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप हेल्थ इश्यूज का नाम लेते हुए उन्हें कनेक्ट करें, और कनेक्ट करते हुए आप अपने आरओ की सर्विसेज के बारे में उन्हें बताएं, जैसे कि आपके आरओ के अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करते हुए आपके आरओ को बनाया गया है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो मार्केट में और किसी के पास एट दिस कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। जब आप ऐसा बताएंगे तो उन्हें ये पता लग जाएगा कि आपका आरओ पॉकेट फ्रेंडली है। और साथ ही साथ आप उन्हें ये भी बताइए कि सर जिस हिसाब से पॉल्यूशन फैल रहा है उस हिसाब से आपको इस आरओ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हुए आप काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अब क्योंकि आपके पास 2 साल का बच्चा है तो आप नहीं चाहेंगे कि वो किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए जिसका कोई इलाज ही ना हो, इसीलिए जरूरी है कि आप उसको बचपन से ही इस आरओ का पानी पिलाएं ताकि वो हमेशा के लिए तंदुरुस्त रहे। और साथ में आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि जैसे सर आप जानते ही हैं कि हमारी बॉडी में 70% पानी है, तो इसीलिए पानी का शुद्ध होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप शुद्ध पानी लेंगे तभी आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो पाएगी, और इस आरओ की हेल्प से आप अपनी बॉडी को 100% क्लीन रख सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से आप किसी को इमोशनली कनेक्ट करते हुए अपने प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में उन्हें बता सकते हैं ताकि उनके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आपके प्रोडक्ट की एक अच्छी इमेज बन जाए। आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि बार बार किसी चीज को दोहराने से ही उसमें कोई भी परफेक्शन हासिल कर सकता है, इसीलिए जब भी आप कभी सेलिंग के लिए बाहर जाएं
तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखें कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको ना का सामना करना पड़े, लेकिन बाद में जब आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप इसमें परफेक्शन हासिल कर लेंगे। आई होप आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपने फीडबैक्स हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। और हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि हम सेल्स के ऊपर एक कम्प्लीट वीडियो कोर्स आपके लिए लेकर आएँ, और अगर आपकी भी यही चाहत है तो इसके बारे में हम तक अपने मैसेजेस जरूर पहुंचाएं। हमें आपके साथ ये शेयर करते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि किस तरह से आप सभी ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया हमारी पिछली लॉन्च्ड दो ई-बुक्स के अंदर, मेजर ब्रेन ई-बुक और लिस्ट बिल्डिंग। उसके लिए हम आपके बहुत ज़्यादा आभारी हैं। और अब आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लिए आने वाली है नेक्स्ट ई-बुक विद द टाइटल हाउ टू इनवाइट प्रॉस्पेक्ट्स टू योर बिजनेस। तो इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जो सेलिंग ट्रिक आपको यहाँ सीखने को मिली है शायद आप इसके बारे में पहले नहीं जानते होंगे। और अपने न्यू कमर्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई नया व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करता है वो रिजल्ट्स का इच्छुक होता है, और इन ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tagonity.com। जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।